तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बाबिस्टीन के बारे में। जैसा कि आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था, उसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वो कौन सा फंगिसाइड है, किस तरह से काम करता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त काकू चौहान और आप देख रहे हैं चौहान ब्लॉग। तो जय हिंद किसान भाइयों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सब खुश होगी। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे देश में बहुत कोरोना सी महामारी फैल गई है, तो आप इससे बचे रहे, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रहे। और किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बाबिस्टीन के बारे में, और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है इंडोफिल और माकोवान M45 के बारे में। तो वो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाकर देखो। तो जो भी किसान भाइयों भाई मेरे चैनल पे नया आया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं ये बाबिस्टीन के बारे में, जो एक फंगिसाइड है। तो किसान भाइयों, ये कौन सा फंगिसाइड है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये है किसान भाइयों, सिस्टमैटिक फंगिसाइड होता है दोस्तों ये। तो इसमें कौन सा, मतलब क्या मिला होता है जो काम करता है आपके प्लांट पर? इसमें होता है कार्बेंडाजिम 50% WP फॉर्म में होता है इसमें किसान भाइयों, बाबिस्टीन में। तो किसान भाइयों, ये बहुत अच्छा फंगिसाइड है, आप लोगों को पता ही है। ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा, किसी भी दुकान में मिल जाता है ये, और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है ये वाला आपका बाबिस्टीन। तो किसान भाइयों, ये आपके बहुत से काम आता है। आप इसकी स्प्रे करते हो तो ये पत्तों में अंदर तक जाके, मतलब आपके पौधे में अंदर तक जाके, जो भी आपका मतलब फफूंद होते हैं, फफूंद रोग होते हैं, जो भी आपको मैंने बताया था, बहुत वीडियो में बता दिया है कौन से फफूंद रोग होते हैं, जो भी आपके फफूंद रोग होते हैं, उनको अंदर तक, पौधे में अंदर तक जाके उसको ख़त्म करता है और अपने सिस्टम से काम करता है दोस्तों। और वो जो इंडोफिल M45 होता है, वो होता है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी आप ड्रंचिंग भी कर सकते हो पौधों में। जैसे आपका पौधा कोई कमज़ोर है, उसमें आप ड्रंचिंग, आप लोगों को पता ही होगा, अरे यूँ उसके चारों चार आपको यूँ इस तरह से मिट्टी हटानी पड़ेगी, चारों चार गड्ढा सा करना पड़ेगा तने के पास, उसमें इसको मिला के आप ड्रंचिंग कर सकते हो। जैसे आप बीज डालते हो, मतलब सेब का बीज डालते हो, मतलब कि नर्सरी डालते हो, तो नर्सरी में भी आप इसको मिला सकते हो। जैसे आप गोबर मिट्टी में मिलाते हो, तो आप इसका एक पैकेट लेके पूरे बेड पे ऐसे ऐसे, मतलब हल्का हल्का डाल सकते हो सारे में और मिला सकते हो, ताकि जो भी आप बीज डालोगे तो उसमें कोई भी फफूंद नहीं लगेगा, आपका बीज सारा सक्सेस होने में कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये काम करता है ये। और दोस्तों, इसका प्राइस है, इसमें है इसका प्राइस ₹165, आपको दुकानों में मिल जाएगा ये, 120-30-40 तक मिल जाता है, 150 तक आसानी से मिल जाता है, और ये हर दुकान में मिलता है। इसमें ये आपको सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, आपको ये भी पता होगा। तो किसान भाइयों, इसकी और आप जो इंडोफिल M45 है, इकट्ठे मिला के इसकी स्प्रे कर सकते हो। मैं तो करता हूँ, पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है इकट्ठे करके। वो तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, ये सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, ये अपने सिस्टम से काम करेगा, वो कॉन्टैक्ट, वो बीमारी के कॉन्टैक्ट में जल्दी से आके काम करेगा और फफूंद जो भी रोग लगे होंगे उसको जल्दी से ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, ये सारे काम करता है, आप लोगों को पता है, आप इससे हर चीज़ कर सकते हो। और कुछ लोग इसकी ड्रंचिंग करते हैं, मतलब कुछ लोग नहीं करते, किसी को पता भी नहीं होगा कि इसकी ड्रंचिंग भी की जाती है। तो इसकी ड्रंचिंग कर सकते हो आप, और आप बीज डालते बारी मिट्टी में भी, जैसे गोबर मिलाते हो मिट्टी के साथ, बाद में बीज डालते हो उसमें, उससे मिट्टी और गोबर के साथ इसको आप मिला सकते हो, ताकि कोई भी फफूंद बीमारी हो वो ख़त्म हो जाए। ये काम करती है किसान भाइयों ये। और किसान भाइयों, आप इसका स्प्रे कौन कौन सी फसल में कर सकते हो, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप इसका स्प्रे कर सकते हो गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, और आपका आलू, मटर, और आपका टमाटर हो गए, और सब्जियों में कर सकते हो मैक्सिमम में। तो और किसान भाइयों, आप सेब में भी इसका ज़्यादा, हम लोग तो यहाँ पे हिमाचल में सेब में ही करते हैं, तो मतलब इन सारी फसलों में, आदि और भी काफ़ी फसल आती है, उन सब में इसका प्रयोग कर सकते हो। और इसका रेशो की बात करेंगे तो किसान भाइयों, ये आपका एक ड्रम का है, मतलब 100 ग्राम का है ये किसान भाइयों। तो ये आपका एक ड्रम में डालेंगे इसको हम 100 ग्राम को, पूरा पैकेट इसको 200 लीटर पानी में 100 ग्राम डाल देंगे। और इसके साथ मैं तो इंडोफिल भी डालता हूँ 500 ग्राम इंडोफिल M45, जो मैं तो माकोवान का डालता हूँ, अडामा कंपनी का। तो
वो डालता हूँ, तो उसको हम 500 ग्राम डालते हैं और इसको उसके साथ 100 ग्राम डाल देते हैं, इस पैकेट को हम डाल देते हैं जो मैं स्प्रे करता हूँ। दोस्तों आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, जैसा कुछ लोग बोलते हैं कि इसका साइड इफेक्ट होता है, वो होता है सो होता है, रेशो ज़्यादा डालोगे तो हर चीज़ का साइड इफेक्ट होगा, तो ये आपको लोगों को पता होगा। कम डालोगे फिर भी कमी होगी, आपकी बीमारियाँ जल्दी से ठीक नहीं होगी, ज़्यादा डालोगे तो साइड इफेक्ट होगी, यही होता है दोस्तों। इसको और इंडोफिल को आप इकट्ठे कर सकते हो बायोस्टिन, ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, आप लोगों को ये पता हो सकता होगा, और इसकी आप इन इन चीज़ों में कर सकते हो। और किसान भाइयों ये आपको मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 120-130 रुपये, 150 तक ये मिल जाएगा आपको। फिर जहाँ जैसी लाइक जगह होगी, कोई थोड़ा जगह कहीं जगह पे ये महंगा होता है, कहीं सस्ता होता है, ये इस तरह से बिकते हैं किसान भाइयों। मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरी वीडियो आपके लिए इसकी बना के ज़रूर लाऊंगा, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो। और इसका स्प्रे तो मैक्सिमम करते ही है, कम से कम 100% में 80% लोग तो करते ही है इसका स्प्रे, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, ये काफ़ी फफूंद को ख़त्म करने में मदद करता है किसान भाइयों, और आपकी फसल को स्वस्थ रखता है। तो किसान भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये इसके बारे में वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके बारे में वीडियो सारी पूरी बातें समझ आ गई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।